इंदौर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर मंगलवार को राष्ट्रपिता के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल का आरोप है कि मोबल लिंचिंग के नाम पर हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। शहर के हिंदवादी संगठनों ने मंगलवार को गोरक्षकों के पक्ष में एवं जिहादी गतिविधियों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। शहर के हिंदूवादी मॉब लिंचिंग की घटनाओं को छुटपुट करार दे रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि गोरक्षकों को बदनाम कर हिंदुत्व पर हमला किया जा रहा है, लिहाजा शहर के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी ने अवार्ड वापसी गैंग पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि षड्यंत्र के तहत हिंदूवादियों को बदनाम किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर आज लगभग 2000 स्थानों पर पूरे देश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम बजरंग दल में, बजरंग दल के द्वारा लाखों युवा आज देश में सड़क पर उतर कर ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन पिछले कुछ दिनों से देश भर के अंदर हिंदू समाज को मॉब लिंचिंग के नाम पर जो षड्यंत्र पूर्वक अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, देश भर के अंदर मॉब लिंचिंग के विरोध के नाम पर रैलियां निकाली जा रही है, देश भर में हिंदू दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के वाहनों को तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर राम जी का, देवी जी का मंदिर, 100 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, इसके विरोध में आज पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि ये देश भर के अंदर जो अराजकता फैलाने का ये गुंडे प्रयास कर रहे हैं, इन गुंडों की गुंडाई को रोकी जाए ताकि देश भर के अंदर शांति स्थापित रहे। कुल मिलाकर मॉब लिंचिंग की घटना ने मानवता को शर्मसार करने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसे महज एक षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।